दोस्तों, दौर आ चुका है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का। हर घर में लग रहा है अब साइरोटेक और सारविजन का वाईफाई ONU। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से इन डिवाइसों के फर्मवेयर को अपडेट करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है। देन अब हम ब्राउज़र ओपन करेंगे जिससे कि हम अब वाईफाई ONU को एक्सेस कर सकें। तो अब ब्राउज़र ओपन कर लिया है हमने, ये देख सकते हैं आप। अब हम वाईफाई डिवाइस को एक्सेस करने के लिए उसका आईपी एड्रेस डालेंगे। आईपी एड्रेस है 192.168.101.1। ये आईपी एड्रेस डिवाइस के नीचे साइड में भी लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डालें। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन पेज आ चुका है। यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, यूजर नेम एडमिन ISP और पासवर्ड भी एडमिन ISP। ये जो इंटरफेस है ये सेम डिवाइसों पे काम करता है, जैसे कि अगर जो आप साइरोटेक का यूज़ कर रहे हैं तब भी इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और अगर जब सारविजन 121 यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इसी टाइप का इंटरफेस आएगा। फर्मवेयर सेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस सेक्शन खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर वर्जन। हमको सॉफ्टवेयर वर्जन देख लेना है और इसी से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है डिवाइस के ऑफिशियल वेबसाइट से। फॉर्मवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और इसमें आपको जाना है मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद आपको फॉर्मवेयर अपग्रेड ऑप्शन पे जाना है। आप देख सकते हैं फॉर्मवेयर अपग्रेड ऑप्शन हमने दिखा रखा है, हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपने फॉर्मवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है वो लोकेशन एलोकेट कर देना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल एलोकेट हो चुका है, सेलेक्टेड फाइल आपको दिखा रहा होगा V160 करके। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है और अब आपने सिर्फ इतना करना है कि अपग्रेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे अपग्रेडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। फर्मवेयर अपडेट होने के बाद ये रिस्टार्ट होगा, एटलीस्ट 1 मिनट का टाइम लगता है, तो आपने वेट करना होगा और प्रक्रिया जैसे स्टार्ट पूरी हो जाएगी तो ये रिस्टार्ट होकर प्रॉपर वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में लिंक शेयर जरूर करें जिससे कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें।